तो मैंने मैच खेला था बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, और 15 ओवर में ना वी वर 82 for 2, तो ये ना काफी टफ सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि अभी हमको चाहिए 15 ओवर में 127, क्या हम चेस कर सकते हैं ये, लेट्स सी। तो अभी बॉलिंग करने आ रहे हैं मेहदी हसन मिराज, जो कि काफी ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। मैंने ना काफी टाइम से टफ सिचुएशन करा भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं। तो इसके बाद ना तीन बैट्समैन रहते हैं, ऋषभ पंत, मैं और हार्दिक। यस, मेरे को याद है। ये 30 ओवर के मैच ना काफी ट्रिकी हो जाते हैं यार कभी कभी। विराट कोहली वैसी मतलब नॉर्मल सी फॉर्म में लग रहे हैं, 47 पे 31 मारे हैं, क्योंकि ना स्टार्टिंग में विकेट ज्यादा गिर गई थी, तो उनको ना संभालना पड़ा। तो लाइक ना करो तो कर देना, एंड रेगुलर देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट द चैनल, आप लोग सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। और अभी एच लगा था और कैच हो सकती थी, बस बच गया अक्सर अभी। तो अभी ना हम बांग्लादेश से वैसे ही वन डे सीरीज हार के आए हैं, तो बस वही बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो मतलब कोशिश कर रहा था, मेरे को थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। ओके नाइस शॉट, अभी 2 रन नहीं आ रहे यार। ये वाली जर्सी ना मेरे को T20 वाली जर्सी से ना बेटर लगती है, पता नहीं क्यों। तुमको क्या लगता है, नई वाली लाइट ब्लू जर्सी ज़्यादा बढ़िया है या डार्क ब्लू, कमेंट करके बताना मेरे को। ये स्काई तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्लाउडी क्लाउडी एकदम। और अभी स्काई देखते देखते मेरे को एक चीज़ याद आई कि भाई स्काई को खिलाना तो मैं भूल ही गया था। अभी तो वी आर जस्ट डीलिंग इन सिंगल्स, दैट्स इट। ओके, विराट कोहली भी सिंगल्स ही ले रहा है। मेरे को ना वन डे तभी बेस्ट फॉर्मेट लगता है ये विराट कोहली का, क्योंकि अभी 50 बॉलों पे 34 मारे हैं उसने, मतलब थोड़ी बहुत मतलब स्लो स्टार्ट है, लेकिन फिर वो जब कैचअप करता है ना तो भाई बहुत ही बढ़िया करता है। ऐसा वो T20 में ज़्यादा नहीं कर पाता और टेस्ट मैचेस में भी नहीं। वी नीड 116 फ्रॉम 80 balls। भाई दो लेने की कोशिश कर लो यार, सिंगल से काम नहीं बनेगा यार। चलो इस बार ही 2 आ गए। अक्षर पटेल को तो मैं जल्दी इसलिए लेके आया क्योंकि लेफ्ट राइट चाहिए होता है ना, ऋषभ पंत को बाद में ले आएंगे। मिस्टर इबादत आया जिन्होंने विराट कोहली को आउट करा था। ओके पुल करा, बस गैप में नहीं गई। ओके अरे नाइस फील्डिंग यार, 8 पर ओवर से स्टार्ट करे थे और अभी 9 पर ओवर हो गया ऑलमोस्ट। हमको भी कम से कम 20 रन और चाहिए 20 ओवर तक। थोड़े बहुत गैप में ऐसे शॉट खेलेंगे तो आ जाएंगे। नाइस 3 रन है। ओए ये बिल्कुल भी सही से टाइम नहीं हुई थी भाई, और ये स्लो ओवर भी थी। वैसे ना जब मैं अक्षर पटेल को लेके आया था मेरे को लगा नहीं था कि वो इतने रन मार लेगा, तब भी 36 मार लिए 36 पे, कुछ बॉल वेस्ट नहीं करी उसने। वैसे वी नीड मोर देन रन अ बॉल। मेहदी हसन इज बैक भाई, इसी लॉन्ट की वजह से हारे थे हम वन डे सीरीज। वैसे हारे तो हम किसी और की कैच ड्रॉप की वजह से थे, बट तो वो बात किसी और दिन की है। थोड़ा कैचअप तो कर लिया विराट कोहली ने। हाँ लेट्स गेट 2, वेरी गुड। गैप नहीं मिलेगा, व्हील इंडिकेटर सिंगल। अब 69 बॉल्स पर 100 चाहिए एग्जैक्टली, दोनों ही काफी इवन नंबर है। ओए यार कट, बैकवर्ड पॉइंट पर कट करने की कोशिश करिए, कोई नहीं अक्सर, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग। ओके कवर्स के ऊपर से मारा विराट कोहली ने, इट विल गो फॉर अ 4, नाइस नाइस। कैन वी गेट 2 अगेन, विराट कोहली की 50 होते हुए, बहुत बढ़िया भाई। स्ट्राइक रेट एकदम से इतने इंक्रीज करी है ना विराट कोहली ने, देखो यहाँ यहाँ पे खेला है विराट कोहली ने पूरी इनिंग्स में। इस ओवर में भी 7-8 रन आए ना तो मज़ा आएगा। नो 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 नो, इस पे भागना नहीं, रन आउट नहीं होना। वैसे अगर ये थोड़ी ऑफ साइड पर बॉल डालेगा ना तो मैं इसको वो कर सकता हूँ टारगेट, लेकिन ही इज बॉलिंग इंटेलिजेंटली। विराट कोहली कैन गेट 2, विराट कोहली इज रियली फास्ट, ईजी 2। ओए बच गया। ओके स्ट्रेट ड्राइव खेली ना, इस ओवर में सिर्फ 3 ही रन आए और अब 2 ओवर हो जाएंगे। वही बात है, 9 के आसपास चाहिए होंगे आखिरी 10 ओवर में। सो एग्जैक्टली वी नीड 86 runs in 10 overs। अभी तो चौकों की भी जरूरत नहीं है ज्यादा, जरूरत पता है क्या, सिंगल डबल की है। सिंगल डबल की वजह से ना मतलब अगर 8 रन हो जाते हैं ना ओवर में तो बहुत बढ़िया, मतलब रिस्क भी ना लो। उसके बाद अपने 3 बैट्समैन तो है ही बढ़िया, और अक्सर ये ही नहीं खेलना था, बस ये ही नहीं खेलना था। मतलब वो ऐसा होता ना कि स्पिनर पूरा टीस कर देता है, बस एकदम वही करा था भाई उसने मेरे को। एक भी चौका नहीं मारा, एक भी सिक्स नहीं मारा, तब भी 44 पे 45। लेफ्ट हैंडर गया तो एक लेफ्ट हैंडर आएगा अब। शॉट पंदना थी, पहली बॉल पे बैकफुट पॉइंट पे कट करा है 4 रन्स। पंत तो एक ही टाइप से खेलता भाई, बट मैं उस टाइप से आज उसको खिलाऊंगा नहीं, अभी ज़्यादा रन चाहिए। ओह दोबारा बहुत बढ़िया शॉट, बट जस्ट अ सिंगल।
ओह नाइस, थोड़ी अग्रेसिव फील्ड अप्रोच रखी है पंत को इबादत ने। व्हील फ्लिक इट फॉर अ फोर। ये बेचारे इबादत ने ही सबसे ज्यादा रन खाए हैं। ओह ओके, बैकफुट पॉइंट पे कट करा इस बारी। फोर मोर रन्स। पंत को क्या हो गया भाई, बहुत ही बढ़िया प्रिसाइज गैप निकाला था और दोबारा वही कोशिश करी है भाई। इसको एक ही तरफ पसंद आ गया भाई, बैकवर्ड पॉइंट पंत के लिए तो फील्ड खोली दी भाई अब इन्होंने इस बारे। लेकिन वो तभी भी भाई पॉइंट की दिशा में ही मार रहा है। आई रियली सेड दिशा, दैट वॉज सरकैज़म, याद रखना। मेरा सरकैज़म ना लोगों को ज्यादा समझ नहीं आता इसलिए मेरे को बताना पड़ता है। नो विराट, विराट विराट बच गया विराट। पंत तो बिल्कुल नहीं भाग पाता क्योंकि यू नो मेरा पेल्ट उसका पेल्ट ऑलमोस्ट सेम है भाई। पंत ने आते तो गेम इधर उधर कर दिया है। 8 बॉलों पे 17 मारे हैं। लेट्स गेट टू अगेन। ए विराट कोहली टू द सेंसिबल थिंग एज ऑलवेज। ओके कट कर दिया तो 3 भाग लिया भाई, बहुत बढ़िया। और कवर्स के ऊपर से खेलते इस बारी पंत ने, बोलता अब थोड़ी अलग जगह मारते हैं। एक और चौका इस ओवर में 2, 3 एंड 4। पंत भाई 10 बॉलों पे 22 रन मार चुके हैं। मैं इस बात पे खुश हूँ कि भाई मिराज को हमने रन मारे काफ़ी। ओ ये काफ़ी अच्छी बोलती, अच्छी बात है इस पे खेला नहीं मैं, और वो स्पिन भी काफ़ी हुई थी। बैकफुट पंच फ्रॉम कोहली। ओके नाइस मिस फील्ड, वील गेट 3 आई गेस। कौन सा गाना था वो, इट्स मी आई गेस, कृष्णा का है ना वो, सुना किसी ने? अभी 40 पे 51 चाहिए। ओए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शॉट ड्राइव और गैप में भी गई है। इट्स अ 4, बहुत बढ़िया शॉट ऋषभ पंत। मतलब ऐसा सीन है, एक दो डॉट बॉल होती है, कोई ना कोई रन मार ही देता है उसके बाद। वाओ दैट वाज सच अ ग्रेट ड्राइव, मतलब पंच सॉरी बैकफुट पंच, ड्राइव नहीं थी, माय बैड। तस्कर अहमद गेट्स विराट कोहली अ वेरी वेरी गुड इनिंग्स। 3 चौकों से ही उन्होंने 63 मार दिया भाई। बेस्ट बैट्समैन को ले आता है इस गेम का, बेस्ट बैट्समैन। और भाई मेरे को सीरियसली कोई मत ले लेना, ये सरकैज़म होता है, प्योर सरकैज़म। ओके ऋषभ पंत, अब हमारी सिंगल डबल लेने की बारी है। अब दिक्कत पता है सबसे बड़ी क्या है इस मतलब पार्टनरशिप में, दोनों ही मोटू है भाई, मेरा प्लेयर भी उसका प्लेयर भी। तो भाई रन कैसे भागेंगे ये मुझे नहीं पता। शाकिब भाई ने 3 ओवर में 4 रन पड़वा के 1 ही रन दिया था। चलो इस बारी कम से कम रन तो आ रहे हैं। हाँ भाई मेरे प्लेयर के लिए अग्रेसिव फील्ड नहीं रखी भाई तुमने, ये तो गलत है। yes. भाई भाग लिया 2 रन कुछ ना कुछ करके। ओए आई रियली फील सैड फॉर शाकिब की टीम इन ग्लोबल लीग। बुरा लगा था सही में, दे वर वन ऑफ द बेस्ट टीम। और भाई वो क्या हुआ उनके साथ, ये तो तुमको ग्लोबल लीग पे देखना पड़ेगा। जिसकी वीडियो आ चुकी है, मतलब 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो थी वो। हाँ भाई अब 30 बॉलों पे 40 रन चाहिए। ओके मुझे लगा नहीं था वो इतनी स्पिन होगी और बस मैं आउट ना हो जाऊँ क्या। एक्स्ट्रा कवर पे चौका। ओके वील गेट ए सिंगल दैट्स इट। ऋषभ भाई आप ही कुछ करो। हाँ बस ऐसे ही कुछ शॉट मारने की बात हो रही थी जो आपने मार दिया। हाँ भाई मेहदी हसन भाई क्या हो गया अब आपको? अच्छी बॉल आएगी ना तो मैं डिफेंडिंग कर दूंगा। चलो छोड़ ही दी मैंने, विकेट नहीं देनी। अभी भी 4 ओवर में 30 रन चाहिए। या एक सिंगल, एक्चुअली 2 आ जाएंगे, बहुत बढ़िया भाई। ये तो उसने गैप निकाल दिया था यार, मेरे को लगा पहले सिंगल ही है, लेकिन 2 भाग लिया हमने। ना 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 ये खेलने वाली नहीं है। शाकिब वैसे बॉलिंग तो सही ही करता है यार। ओके नहीं ठीक करता है, बहुत अच्छी करता है आई एम श्योर। इस ओवर के ऑलमोस्ट सारे रन निकाल लिए हमने। भाई अच्छी बॉल डाल रहा है यार ये तो एकदम से। आई ट्राई टू टेक अ सिंगल। या 3 ओवर में 22 रन चाहिए। एक अच्छा ओवर इधर उधर मैच कर सकता है। मुस्तफिज इज बैक, जो आखिरी 3 में से 2 ओवर डालेगा। मतलब हमने एक अच्छा ओवर खेल दिया तो क्या बोलते हैं हम जीत जाएंगे, उन्होंने एक अच्छा ओवर डाल दिया तो वो जीत सकते हैं। दे विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। अब मैं एंड तक लेके जाऊँ या रन मारने की कोशिश करूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ। ऋषभ पंत की इनिंग्स देखो भाई, 23 पे 43। मैं तो ये सोच रहा हूँ ऋषभ पंत आके ये नहीं खेलता तो कौन मारता रन। मेरा प्लेयर तो डेफिनेटली नहीं मारता क्योंकि वो आउट हो गया भाई। इस प्लेयर से कभी कुछ नहीं होगा, मैं समझ गया।
हार्दिक भाई आ जाओ भाई, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए बस। हार्दिक से तो बढ़िया खेलो मैं, ठीक है आ जाओ। शार्दुल ठाकुर भाई आप रन मारोगे, मैं श्योर हूँ। मैंने क्या बोला था, एक अच्छा ओवर बस वही हो गया। अगर अभी ऋषभ पंत ने रन नहीं मारे तो भाई भाई 2 रन ले लो यार, 2 रन ले लेना बस भाई। शार्दुल तू रन आउट हो जा, माइंड कोई नहीं, कुलदीप भाई रन मारेंगे भाई। ये 19 रन कैसे लगेंगे मुझे नहीं पता, मैंने सिंगल ले लिया। कुलदीप 5 रन आ जाने इस ओवर में से, अगले ओवर में देख लेंगे फिर। इवन अगली 5 बॉलों पे एक चौका भी लग जाए ना तो भी संभाल लेंगे आई एम श्योर। ऋषभ पंत भाई एक चौका, एक चौका बस, रिवर्स स्वीप खेल दिया चौके के लिए, बहुत बढ़िया। अब 9 बॉलों पे 13 रन चाहिए भाई, मैं तो बोल दूँ सिंगल ले लो चुपचाप। हाँ भाई कुलदीप भाई भागो, रन आउट नहीं होना बस, रन आउट हो गए कुलदीप भाई। तो बुमराह रन मारेंगे क्या भाई, कुछ भी करके 2 रन लेने हैं अगली 2 बॉलों में। दो भागो दो भागो दो भागो, बुमराह भाई एक और प्रिसीजन शॉट खेल लो और 2 रन भाग लो भाई। ये अब ऋषभ पंत को जितवाना, आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए भाई, पे लो मुस्तफिज को ही पे लो, कोई नहीं। 52 होगी ऋषभ पंत की, वेरी गुड। अब 5 बॉलों पे 5 रन चाहिए हमें बस जीतने के लिए। नो 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 नो, ये नहीं करने का भाई। 4 बॉलों पे 5 रन चाहिए हमको और मैं अब सिंगल लेना ही पड़ेगा, मेरे को कुछ कर नहीं सकते। बस अब यही होप है कि 1-2 बॉलों में बुमराह हमको सिंगल दे दे। भाई क्या समझदार लोग हैं, बुमराह के लिए पूरी फील्ड अंदर कर ली इन्होंने। ओके क्विक सिंगल, क्विक सिंगल, बहुत बढ़िया डाइव मारते हुए ऋषभ पंत भाई। बस विकेट नहीं देनी, बाकी सब बढ़िया। और जीत गए, चाहे 1 बॉल पहले जीते लेकिन जीत गए भाई। ये विक्ट्री तो भाई ऋषभ पंत की है, ऋषभ पंत बोल लो, विराट कोहली बोल लो, और बॉलिंग में सिराज बढ़िया था। तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना कराओ तो कर लेना, लाइक ना कराओ तो कर देना, रेगुलर देखते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी कुछ बढ़िया लगे तो बाकी की पुरानी वीडियो कुछ देख लेना, जो जो पुरानी नहीं देखी हुई। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।